तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और अगर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो लाइट रे इंटर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो देखो एक यहाँ से ट्रांसपेरेंट रॉड है, दिस इज़ द रॉड, और लाइट रे अगर इसमें इंट्री करती है, दिस रॉड में अगर एक बार यहाँ से लाइट रे अपनी एंट्री कर गई, ठीक ना, तो ये वाली है एक्सिस ऑफ रॉड है, और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लाइन है। मतलब एक बार यहाँ से किसी भी एंगल पे मैं लाइट रे डाल दूँ, उस लाइट रे का इसके अंदर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, सभी लाइट रे का क्या हो जाए, यहाँ पे सभी लाइट रे का TIR हो जाए, ठीक ना, ये ऐसा चाह रहा है। तो एन कितना हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इसके बीच 0 और 90 के बीच ही ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये 0 थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, थीटा और 0 के बीच कोई भी लाइट रे आएगी उसका TIR हो जाए, ये पूछा जा रहा है। बात आ गई समझ में? तो देखो इस क्वेश्चन करने को बेसिकली हमारे पास दो मेथड है। एक तो मैं आसान मेथड बताता हूँ, दूसरा आप देख सकते हो भाई बहुत सारे बुक में दिया हुआ है। तो चलो पहले सबसे आसान मेथड बताता हूँ, फिर आपको वो भी मेथड बता दूंगा कि उससे भी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो चलो, तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना ही लेता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे, और यार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इट्स समटाइम्स इट्स वेरी इरिटेटिंग, इट इज़ द टेक्निकल थिंग्स। यहाँ पे तुम देखोगे एक पाइप है, और समझना इस क्वेश्चन को, तो अगर एक रे यहाँ से मैं ये वाली लाइन है एक्सिस है, पहले ऊपर समझ लो, यहाँ से अगर ये वाली लाइट रे यहाँ से आती है, ठीक है, तो ऐसे पास हो जाएगी, लेकिन अगर इस वाली रे जो नॉर्मल वाली लाइट है इसका यहाँ पे TIR हो गया, तो बाकी सभी का तो यहाँ पे हो ही जाएगा यार, समझे। तो एक मैं रे लेता हूँ जो यहाँ से होके जाती है, इधर से होके जाती है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मीडियम में 90 डिग्री है, और अगर मैं इसका TIR करा दिया इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये गई ऐसे, इस पॉइंट में नॉर्मल ऐसे है, तो ये मैं इसको इंटरफेस ऐसे भेज रहा हूँ। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ तो तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि पिंक पिंक में वो जो है तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ये लाइट रे यहाँ से, ये लाइट रे मैं इसको इंटरफेस से भेजता हूँ, ठीक ना, यही वाली जो आ रही थी उसको मैं इंटरफेस से भेज रहा हूँ। क्यों इंटरफेस से भेज रहा हूँ, क्योंकि अगर इसका ए पॉइंट पे TIR हो गया तो बाकी सभी का तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे, और ये बी है पॉइंट, ठीक है, ये एंगल इस वक्त क्रिटिकल एंगल होगा थीटा सी, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, और ये एंगल अगेन 90 डिग्री होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होल्ड होता है, तो उधर से सोचो जैसी गई थी वैसे आ रही है, एक रे जैसे गई थी वैसे आ रही है ऐसे, ठीक ना, तो मैं उल्टा सोच रहा हूँ, ठीक ना, ऐसे सोच रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट ए है पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे, हाँ एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे अगर तुम देखोगे उल्टा सोचोगे तो क्रिटिकल एंगल यहाँ से साइन थीटा सी की जो वैल्यू है 1/μ के इक्वल आ जाएगी। म्यू यहाँ मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूँ, ये इन्होंने एन दिया था, मुझे म्यू अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे तुम देखोगे, कुछ भी ले लो यहाँ पे, म्यू ले लो एन ले लो बाद में वैल्यू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो निकालना है। तो यहाँ से या और यहाँ से तुम देख सकते हो साइन थीटा सी 1/μ के इक्वल आ गया। अब यहाँ से थीटा साइन थीटा सी प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू 90। इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये एंगल 90 है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये जो प्यारा सा ट्राइंगल बना है, तो थीटा सी इज इक्वल टू यहाँ से 90 माइनस आर। तो यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से रखोगे साइन थीटा सी 90 माइनस आर की वैल्यू 1/μ के इक्वल आ जाएगी, मतलब यहाँ से कॉस आर की वैल्यू 1/μ आ गई। तो ये इक्वेशन तो अपने पास यहीं आ गया कि कॉस आर इज इक्वल टू 1/μ, या साइन थीटा में ही रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दो, एट पॉइंट बी अगेन स्नेल्स लॉ लगा दोगे यहाँ से साइन आर, और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से म्यू से, और यहाँ से साइन 90 और मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू 1/μ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब साइन आर जो है
यहाँ से साइन r तो 1 माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर r अंडर लिख सकते हो और 1 अपान म्यू। तो यहाँ से बेसिकली जो है तुम देखो यहाँ से कि 1 और कॉस स्क्वायर 1 अपान म्यू स्क्वायर और 1 अपान यहाँ से म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओगे तो 2 अपान म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट 2 प्लस माइनस आ गया। तो क्रिटिकल कंडीशन हम लोग लिए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 2, ठीक है ना। अब अगर म्यू 2 लोगे इक्वल टू 2 तो जो कंडीशन हम रखे तो वही होल्ड होगा, लेकिन हमें तो TIR कराना है तो म्यू या इन्होंने n लिया था तो n मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 2, ठीक है, तब जाके जो है वो TIR होगा। दिस इज द मेथड फर्स्ट, ठीक है। अब जो मेथड 2 है उसमें बेसिकली मैं TIR करा ही देता हूँ, एक रे का मैं TIR करा ही देता हूँ। चलो तो जो मेथड 2 है उसको सोचते हैं प्यारे बच्चों। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ हरियाली कलर ले लेता हूँ। तो एक काम करते हैं यहाँ से जो है वो मेथड 2, अगर मैं मेथड 2 यहाँ से देखता हूँ तो एक लाइट रे ऐसे गई थी जो कि सभी बुकज मेथड है, सभी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ से गई थी ये वाली चीज़, तो एक यहाँ से मैं एक अननोन लाइट रे डाल दिया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो वो अगर यहाँ से ऐसे चली जाती इट विल गो टुवर्ड द नॉर्मल एंड यहाँ जो है नॉर्मल अगेन मिलेगा और इसका TIR मैंने करा ही दिया, ठीक है। तो ये इस जो पॉइंट ए है इस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ और ये एंगल मैं आर मान लेता हूँ। तो एट पॉइंट, ये पॉइंट मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो एट पॉइंट ए पर देखोगे, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए का क्या हाल है फॉर TIR, ठीक है ना। TIR होने के लिए जो थीटा है मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और यहाँ से साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन वन अपान म्यू, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है। और थीटा प्लस यहाँ से आर मस्ट बी इक्वल टू 90, तो यहाँ से जो थीटा है वो आ जाएगी 90 माइनस आर के इक्वल आ जाएगा। आ रहा बच्चों समझ में? तो यहाँ से 90, एक्चुअली मुझे आदत पड़ी हुई बच्चों से पूछने, 90 माइनस आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन अपान म्यू, इसका मतलब ये हुआ कि साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन अपान म्यू, ओ सॉरी यार यहाँ से कॉस आर आ जाएगा ना, मतलब कॉस आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन अपान म्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो अब तुम्हें एक काम करना है, बी पॉइंट पे स्नेल्स लगा देना है। तो बी पॉइंट पे स्नेल्स ला, हाँ, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे स्नेल्स लगा दोगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से साइन आई इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से साइन आर, ठीक है। यहाँ से तुम देखोगे साइन आई की जो वैल्यू है यहाँ से म्यू, और साइन आई को तुम आर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि तुम्हें आर पता था, कॉस आर पता था। तो यहाँ से मैं साइन आई को एक काम करता हूँ, साइन आई को यहाँ से जो साइन आई था, एक मिनट, हाँ साइन आई आर, तो आई तो मुझे चाहिए, तो आर को मैं यहाँ साइन आर को, आई को मैं आई ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से साइन आई और यहाँ से म्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन आर की वैल्यू, ऊपर देखो साइन आर नहीं था तुम्हें, कॉस आर पता था। तो इस साइन आर को मैं वन माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर आर अंडर रूट लिख सकता हूँ। तो यहाँ से म्यू मिल जाएगा और वन माइनस वन अपन म्यू का होल स्क्वायर मिल जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे साइन स्क्वायर आई और यहाँ से म्यू स्क्वायर वन माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर आई की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी म्यू स्क्वायर यहाँ से और ये माइनस वन, तो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन स्क्वायर आई प्लस वन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब म्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है, म्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है तब होगी जब साइन की आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि आई 90 पर होगी, वही है 90 वाले का हो जाएगा तो सभी का हो जाएगा। तो म्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है उस वक्त जो म्यू होगा वो 2 होगा। तो जब 2 होगा तो इसका मतलब म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है, म्यू
इससे अगर अधिक होगी इस वक्त, ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू, मतलब हमें रूट टू, यहाँ से रूट टू स्क्वायर यहाँ था ना, तो यहाँ से रूट टू, ये सब अंडर रूट रहेगा, ये स्क्वायर में था तो ये अंडर रूट रहेगा, तो म्यू की वैल्यू रूट टू से अधिक होनी चाहिए, तब जाके सभी का टी आई आर हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा दो मेथड की यूज किया हूँ तो लेंदी तो हो गया थोड़ा सा।